जलगांव शहर में मंगलवार को 498 कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं और अब इस हिसाब से जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल संख्या 19,082 तक पहुंच चुकी है। अगर अभी भी जलगांव शहर नहीं सुधरा तो ये आंकड़ा 50,000 तक भी पहुंच सकता है। एक हैरानी वाली बात तो ये भी है कि जलगांव शहर के सब जेल में 18 कैदियों को कोरोना वायरस जकड़ चुका है और अब उनका इलाज जेल में ही स्थित कोविड सेंटर में किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि जेल में कैदियों को आखिरकार कैसे कोरोना हो गया। 19 तारीख यानी बुधवार से जलगांव शहर में कोरोना वायरस के मरीज के मिलने का आंकड़ा बढ़ सकता है और यह आंकड़ा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि जलगांव की महापौर भारती सोनवने ने प्रशासन से यह मांग की थी कि सब्जी बेचने वाले, फेरी लगाने वाले, किराना दुकानदार, मेडिकल वाले और अन्य लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जाए ताकि यह पता चल पाए और जल्दी पता चल पाए कि कौन कोरोना वायरस से पीड़ित है ताकि उनका इलाज कर जल्द से जल्द उन्हें स्वस्थ किया जा सके। आने वाले 19 तारीख यानी बुधवार से जलगांव शहर के रामलाल चौबे मार्केट स्थित स्कूल में एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और जिसके बाद यह तय है कि यह आंकड़ा जो अभी मिल रहा है वह बढ़ ही जाएगा। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।